नमस्कार दोस्तों, माय योगा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। दोस्तों मैं एक व्यापार वृद्धि का यंत्र बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी कोई तंत्र मंत्र से वीडियो लेके आए तो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हर कोई, चाहे वे छोटा व्यापारी हो या फिर बड़ा स्तर पर व्यवसाय करता हो, हानि होने की दशा में चिंतित होने लगता है। व्यापार में हानि की दशा में व्यापारी हताश होने लगता है। व्यवसाय या छोटा स्तर पर किया जाए या बड़ा स्तर पर, एक ही अपेक्षा लाभ को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। किसी भी व्यवसाय में उचित लाभ न मिलने पर व्यापारी का चिंता बढ़ जाता है। शुरुआत करते समय व्यापार को सभी पहलुओं पर सभी देते हैं, किंतु कभी कभी गिरी निछत्तर के अनुपात न होने के कारण फिर किसी नकारात्मक ऊर्जा या शनि का आपको व्यवसाय को प्रभावित कर देता है। आज हम आपको एक ऐसे यंत्र के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, तभी इस यंत्र को बारे में समझ पाइएगा। दोस्तों इस यंत्र को किसी भी शुभ मुहूर्त में, दीपावली में, इस यंत्र को लिखकर भोजपत्र पर और अष्टगंध के स्याही बना लेनी है, और बना के अपने ये नक्शे को देखकर आप इस यंत्र को लिखना है। इस यंत्र को लिखकर दुकान या फिर ऑफिस में रखने से व्यापार में वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों इस यंत्र को किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में आप लिख सकते हैं। तो आप दीपावली में लिखते हैं तो बहुत बढ़िया है। ये दीपावली को रात में इस यंत्र को लिखना है। लिखकर आप दुकान में या व्यापार स्तर पर या घर में पूजा स्थल पर इस यंत्र को रखकर पूजा विधि कर अपना ऑफिस या दुकान में या व्यापार स्तर पर लगा सकते हैं। तो इस यंत्र को लगाने से आपको व्यापार में हानि नहीं होगा और व्यापार में लाभ ही लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस यंत्र को आप लगा लें तो आपको वृद्धि बढ़ जाएगी, और पहले ही एक यूट्यूब पर लक्ष्मी विष यंत्र मैं पहले ही बता चुका हूं। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। वहां पर भी विष यंत्र बताया गया है, उस यंत्र को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। धन्यवाद।